आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट समझाने वाली हूँ, जो कि है मैथ्स मीडिया और उसकी कुछ टाइप्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। मैथ्स मीडिया को अगर हम डिफाइन करें तो इट कैन बी डिफाइंड एज अ टेक्नोलॉजी विच इज़ इंटेंडेड टू कम्युनिकेट और रीच अ मैथ्स ऑडियंस। व्हाट डज इट मीन? इट्स मीन कि आप जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक मैस है ऑडियंस का, बहुत ह्यूज अमाउंट में ऑडियंस जो है, इवन हम वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके लिए जो जो टूल्स यूज़ हो रहे हैं उनको हम कहेंगे इट इज़ ऑल अबाउट मैस मीडिया। इसके थ्रू हम लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। इट मीन्स दैट कि हम पब्लिक के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं बहुत ही ह्यूज लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे, यानी इवन वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं हम, लेकिन हम हमारी एग्जिस्टेंस वहाँ पे नहीं है, लेकिन हमारी वॉइस जो है, हमारी चीज़ें जो हैं, हमारा मटेरियल जो है लोगों तक पहुँच रहा है। अब क्या क्या मटेरियल में आ जाता है? न्यूज़पेपर आ जाते हैं, रेडियो है, रेडियो के थ्रू हम लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, मैगजीन्स हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। इवन मैं जो आपके साथ इस टाइम कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, तो ये मैंने क्या किया है? मैंने मैथ्स मीडिया का एक टूल यूज़ किया है, मेरी एक रिकॉर्डेड वॉइस आपके थ्रू पहुँच रही है, मैं पूरे वर्ल्ड के साथ इवन कम्युनिकेट कर रही हूँ, कोई भी मेरी आवाज़ सुन सकता है। अगर मैं यहाँ पे घर बैठे रह के किसी के साथ वैसे तो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही ना, अगर मेरे पास ये टूल्स ना हो, मेरे पास ये मीडिया ना हो, तो मैं कैसे आप लोगों तक अपनी कोई पैगाम पहुँचाऊँगी या अपना कोई डेफिनेशन जो है, कोई कंसेप्ट कन्वे करूँगी? उसके लिए मैं प्रॉपर टूल यूज़ कर रही हूँ, और वो टूल्स जो है वो मैथ्स मीडिया है। मैथ्स मीडिया में कौन सा टूल है? इंटरनेट का टूल है, और इसके थ्रू जो है, जो कि यूट्यूब है, जिसके थ्रू मैंने अपनी वीडियोस अपलोड की हैं और आपके तक ये चीज़ें कन्वे हो रही हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी इसकी टाइप्स हैं, लाइक प्रिंट मीडिया है, आप बुक्स जो है पब्लिश करवाते हैं, आप मैगजीन्स देते हैं, आप पम्फलेट्स आपको मिलते हैं, आप नॉवेल्स पढ़ रहे होते हैं, उनके थ्रू चीज़ें कन्वे की जा रही होती हैं आप तक, आप इंटरनेट के थ्रू सोशल मीडिया देख रहे होते हैं, आप वेबसाइट्स पे चले जाते हैं, आप ईमेल्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, फिल्म्स, रेडियो, टेलीविज़न, ड्रामास, जितनी भी चीज़ें हैं ये मैथ्स मीडिया के अंदर आती हैं। तो मैथ्स मीडिया एक बहुत ही बड़े लेवल की फील्ड है, जिसमें आपको बेशुमार चीज़ें मिलेंगी। तो ट्रेडिशनल मीडिया मैथ्स मीडिया की एक टाइप है। अब देखिए, हमारे जितने भी लोग हैं उनके डिफरेंट वेज होते हैं लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, यानी उन्होंने मैथ्स मीडिया को यूज़ करना है तो अपने तौर पे करना है। अब कुछ लोग जो हैं वो उसको कल्चरल चीज़ के लिए लेते हैं कि उन्होंने अपना कल्चर जो है, अपनी लैंग्वेज जो है, वो लोगों तक उसके साथ कम्युनिकेट करना है। अब देखिए, हर कल्चर जो है उसके नॉर्म्स, वैल्यूज़, कस्टम्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर। वही एज अ पाकिस्तानी है अ डिफरेंट कल्चर, और आप देखेंगे अमेरिकन्स का डिफरेंट है, ब्रिटिशर्स का डिफरेंट है, जर्मनी में डिफरेंट है, इवन पाकिस्तान में डिफरेंट आपको डायलैक्ट्स मिलेंगे, डिफरेंट रीजन्स मिलेंगे जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें की जा रही हैं। अब हर पर्सन का हर पर्सन का तो नहीं, हर सोसाइटी का एक डिफरेंट कल्चर है। अब वो कल्चर जो है, लोग जो हैं वो किस तरह से मैथ्स मीडिया के थ्रू हमें सामने आता है, हमें कैसे पता चलता है कि वहाँ पर ये कल्चर है या वहाँ पर ये चीज़ें यूज़ होती हैं, तो वो हमें मैथ्स मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट की जाती हैं। अब कल्चर में वो लोग अपने रिचुअल्स, अपनी सोसाइटी की जितनी भी प्रैक्टिसेस होती हैं, जितने बिलीव्स हैं, कस्टम्स हैं, वो सारे जो हैं वो मैथ्स मीडिया के टूल यूज़ करते हुए ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, वास्ट लेवल पे पहुंचाते हैं कि आप पूरा वर्ल्ड जो है उस कल्चर के बारे में जान सकता है। अब कैसे मतलब यूज़ हो सकता है, फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया क्या हो सकते हैं? फॉक डांसेस हो सकते हैं, फॉक सॉन्ग्स हो सकते हैं, फॉक टेल्स हो सकती हैं, फोकलोर्स हो सकती हैं, इसके अलावा पेंटिंग्स हैं किसी कल्चर से रिलेटेड तो हमें वो मिल जाती हैं, हमें स्कल्पचर्स मिल जाते हैं, इसके अलावा बहुत सी फेस्टिवल्स हैं और जिनके बारे में हमें इनके थ्रू मिल जो है इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। इवन आपको रेडियो मिल जाएगा, कहीं किसी जगह का रेडियो जो है वो आप सुन रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये रेडियो जहाँ से सुनाई दिया जा रहा है वहाँ का कल्चर ये है। डिफरेंट अनाउंसमेंट्स पता चलती हैं हमें, हमें स्टोरीज़ के बारे में पता चलता है, और ये चीज़ें जो है, यानी सिंबल्स होते हैं, मोटिव्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें, ड्रामा, थिएटर, सारी चीज़ें जो हैं ये ट्रेडिशनल मीडिया में आ जाते हैं। अब ड्रामा, थिएटर वगैरह के थ्रू हमें कैसे पता चलता है कि ये क्या चीज़ है? ऑब्वियसली अगर आपके सामने कोई भी ड्रामा प्ले किया जा रहा है ना, आपको उनकी गेटअप से, उनके करेक्टर्स के थ्रू आप जज कर लेंगे कि ये यहाँ का है, आपको उसके लैंग्वेज के थ्रू पता चल जाएगा।
अब कोई भी इंग्लिश अगर आपने करना है, प्ले परफॉर्म करना है, तो आपको गेटअप भी वैसे ही करना पड़ेगा, आपको लैंग्वेज भी वही यूज़ करनी पड़ेगी। इवन आपको पता होगा कि आप आपके स्कूल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में कोई प्ले चलते हों, अगर कोई लेट्स सपोज के लिटरेट नाइट कोई इंग्लिश डिपार्टमेंट का फंक्शन है, तो वहाँ पर आपकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो इसी से रिकॉर्डिंग होंगी। लाइक वहाँ पे आपकी अपने कल्चर का इतना इम्पेक्ट आ ही नहीं रहा होगा, क्योंकि इंग्लिश इज़न्ट और नेशनल लैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ट्रेडिशनल मीडिया में आ जाती हैं। तो प्रिंट मीडिया में हमें जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है, वो प्रिंटेड फॉर्म में मिलती है। लाइक इसमें नॉवेल्स आ जाते हैं, इसमें जर्नल्स आ जाते हैं, इसमें कॉमिक बुक्स आ जाती हैं, उसके अलावा हमें पम्फलेट्स मिलते हैं, मैगजीन्स मिलते हैं, न्यूज़पेपर मिलते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रिंट मीडिया में आ जाती हैं। अब जब प्रिंटिंग प्रेस का मतलब इन्वेंशन ही हुई थी, तो उससे पहले जितनी भी चीज़ें थीं वो हैंड रिटन होती थीं। अब जितनी भी बुक्स लिखी जाती थी वो हैंड रिटन होती थी और उसी के हिसाब से सेल होती थी। लेकिन जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस का टाइम आया, उसकी इन्वेंशन हुई, तो मैस मीडिया जो है प्रिंट मीडिया जो है इससे बहुत ज़्यादा तरक्की की। चीज़ें बहुत ही लार्ज अमाउंट में पब्लिश की गई, बुक्स बहुत ही लार्ज अमाउंट में की गई और बहुत लार्ज अमाउंट में सेल आउट की गई। अब देखें, एक किताब है उसको हैंड रिटर्न करने में हमें कितना टाइम लगेगा, लेकिन प्रिंट मीडिया पे ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। अब हिस्ट्री अगर पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि पहले लोग बहुत मतलब इलिटरेट थे, उन्हें चीज़ों के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन जैसे ही प्रिंट मीडिया आया तो बहुत ज़्यादा एजुकेशन हुई, बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई, चीज़ें बहुत ज़्यादा मिकदार में बुक्स जो हैं वो पब्लिश की गई, लोगों ने पढ़ना शुरू की, लोगों में शऊर आया चीज़ों के बारे में। यानी कि प्रिंट मीडिया ने, प्रिंटिंग प्रेस ने प्रिंट मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा ऑडियंस को ग्रैब किया। एक वाइडर रेंज थी जहाँ पे ऑडियंस को ग्रैब किया गया और अपनी इंफॉर्मेशन नॉवेल्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू जो है वो लोगों तक डिलीवर की गई। अब न्यूज़पेपर भी थे इसमें, जो कि ओल्डेस्ट फॉर्म है मैस मीडिया की, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो रिलाई करती थी किस पे, न्यूज़पेपर्स पे, कि क्या चल रहा है जी हमारे लोकल एरियाज़ में या दुनिया में क्या चल रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ये लोग डिपेंडेंट थे न्यूज़पेपर पर। लेकिन अब तो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलने देखने को मिलती हैं, लाइक इंटरनेट का ज़माना है, आप कोई भी वीडियो देख लेते हैं। न्यूज़पेपर अब ज़्यादातर टीवीज़ पे देखी जाती है, टेलीविज़न पे लगा के तो आप कोई भी न्यूज़ जो है वो सुन सकते हैं। तो अब यहाँ पे लोग जो है मतलब फ्रस्ट्रेटेड फील करते थे, पढ़ने से फेडअप हो जाते थे, तो उन्होंने अब क्या किया जी, टीवी देख लेते हैं। ये वो लोग जो मतलब नहीं पढ़ सकते, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, अनपढ़ हैं, वो उनके लिए टीवी जो है या ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गई हैं। तो लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है कि जितना भी रिटर्न मटेरियल होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रिंट मीडिया में आती हैं। तो आउटसाइड मीडिया को हम WOH भी कह सकते हैं या आउट ऑफ होम मीडिया भी कहते हैं। आउट ऑफ होम मीडिया मींस कि आप जब भी कहीं आउटसाइड जाते हैं, आपको बाहर जो चीज़ें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती हैं, आपको जो न्यूज़ मिल रही होती हैं, उनको आप कहेंगे आउटसाइड मीडिया। अब इसमें क्या आ जाता है, लेट्स सपोज कि आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको ऐसा नहीं कि कुछ भी नज़र ना आए, आपको इवन बैनर्स नज़र आ रहे होते हैं जहाँ पे किसी ना किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट की गई होती है। लाइक ब्रांड्स की प्रमोशन के लिए कोई बैनर लगा होगा कि इतनी सेल है, सेल अगर खो रही है तो उसमें आउटफिट्स के बारे में बताया होगा कि इतने परसेंट ऑफ ये वो। तो यानी ये आपको ना कम्युनिकेट किया जा रहा होता है, पब्लिकली कम्युनिकेट किया जा रहा है आपको, मतलब ऑडियंस को, कि वो जहाँ से गुजरती। अब देखें, कुछ लोग होते हैं जो कि जिनका इंटरेस्ट नहीं होता, वो इतना कमर्शियल नहीं देखते, सब कुछ स्किप कर देते, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, लेकिन आउटसाइड जब निकलते हैं तो चलते चलते नज़र पड़ ही जाती है। तो हो सकता है कोई चीज़ उनको अपील कर जाए और वो उसके लिए चले जाएँ, उसको ख़रीदने के लिए या उसको बाय करने के लिए वो वहाँ पर चले जाए। तो ये चीज़ जो है ना, ये भी बड़ी ज़्यादा अफेक्टिव होती है। यानी आउटसाइड मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रमोशन की जाती है चीज़ों की, और बस यही नहीं कि आपको बैनर्स या पोस्टर्स नज़र आएंगे, बल्कि आपने देखा होगा कि कहीं कुछ ऐसे पार्क होते हैं जहाँ पे आप जा रहे हैं तो बाहर LED चल रही होगी जिसमें सारी पार्क की होगी, या आप कहीं यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो वहाँ यूनिवर्सिटी का प्रॉपर सारी एक वीडियोस चल रही होंगी कि यहाँ ये किया जाता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हो रही है ना, प्रमोशन हो रही है, मार्केटिंग हो रही है, तो उसके लिए ये चीज़ें जो हैं वो यूज़ की जाती हैं।
अब ये चीज़ें आपको कहाँ कहाँ मिलेंगी, बिल्डिंग्स में मिलेंगी आपको, स्ट्रीट्स में मिलेंगी आपको, इलेक्ट्रिक पोल्स पे देख सकते हैं आप, रोड साइड पे देख सकते हैं व्हीकल्स, इवन आपने देखा होगा रिक्शों पे लगे होते हैं पोस्टर्स, गाड़ियों पे लगे होते हैं, स्क्रीन्स पे लगे होते हैं। इसके साथ ही साथ और ये किन चीज़ों की प्रमोशन की जा रही होती है, मैंने आपको बताया था ब्रांड्स ही लोग कर देते हैं, लोगों ने कोई नया रेस्टोरेंट खोला है तो उसकी प्रमोशन कर रहे होते हैं, या कोई यूनिवर्सिटी खुली है उसकी कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी मतलब अफेक्टिव जो हैं लोग जो अपना बिजनेस चलाना चाह रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह मास मीडिया का टूल यूज़ करके अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं या प्रमोशन कर रहे होते हैं। और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी आउटडोर मीडिया में। तो ट्रांजिट मीडिया रिवॉल्व्स अराउंड द कंसेप्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन व्हेन कंज्यूमर्स आर ऑन द गो इन पब्लिक प्लेसेस और इन ट्रांजिट। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि जब कोई भी पर्सन जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे होता है या कोई सफ़र कर रहा होता है, तो वो जो बसेस या वो जो ट्रैवलिंग यूज़ करता है कन्वेंस के लिए अपनी, उन पे ना कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ पोस्टर्स वगैरह लगे होते हैं या कोई प्रिंट ऐसा हुआ होता है जो कि आपको किसी चीज़ की प्रमोशन के बारे में बता रहा होता है। ब्रांड की प्रमोशन हो रही है वहाँ पे, किसी फूड की, किसी रेस्टोरेंट की, किसी आप समझ लें डिलीवरी की, किसी भी चीज़ की ना प्रमोशन की जा रही होती है, और बसेस जो हैं उनको ऐसे ही पेंट किया गया होता है। आप देखें किसी भी बस पे बैठ रहे हों तो समटाइम आपको लिखा होगा उस बस पे लिखा होगा फ्री डिलीवरी, या फिर उस बस पे लिखा होगा कोई किसी भी ब्रांड के बारे में लिखा होगा, या फिर आपने मतलब ना आप एक दफ़ा गूगल पे जाके तो लिखिएगा ट्रांजिट मीडिया, तो उसकी पिक्चर्स आपने देखनी है और वहाँ पे वो पिक्चर्स जो हैं आपको बताएंगी कि कितनी चीज़ें जो हैं कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज़ की जाती है इन चीज़ों के लिए, मीडिया के लिए मतलब मास मीडिया में आती हैं, या किस तरह से ये मैसेज कन्वे करती हैं आपने और प्रमोशन करती हैं ब्रांड्स की। अब बात की जाए कि ट्रांजिट मीडिया क्यों यूज़ किया जाता है। अब देखिए इतने टूल्स हैं मास मीडिया के, हम उनको यूज़ कर सकते हैं, तो ये गाड़ियों को इस तरह से करने का क्या फ़ायदा? तो इसका ये मतलब होता है कि आप ट्रैवलिंग करते हैं, मिलियंस बिलियंस लोग जो हैं वो दिन में बाहर निकलते हैं ट्रैवलिंग करते हैं, और वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स उनको नज़र आते हैं, वो चीज़ें पता चलती हैं जो शायद उन्होंने कभी सुनी भी ना हो। तो इस तरह से ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि मास मीडिया की ये जो टाइप है ना ये बड़ी आउटडेटेड है या इनअफेक्टिव है, लेकिन फिर भी टू सम एक्सटेंड इट इज़ गुड फॉर पीपल बिकॉज इट इज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स आते हैं जाते हैं, दिन में इतनी चीज़ें जो हैं वो डिस्कवर होती हैं और लोगों का ध्यान जो है इस तरफ जाता है। तो इसकी फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो बस एडवर्टाइजिंग आ जाती है, रेलवे एडवर्टाइजिंग आ जाती है, टैक्सी एडवर्टाइजिंग आ जाती है, ट्रांजिट शेल्टर एडवर्टाइजिंग आ जाती है, और पाकिस्तान में तो इवन आप रिक्शा भी देख सकते हैं और भी चीज़ें हैं। तो न्यू मीडिया आप समझ रहे हैं कि हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड जो है इस पर डिपेंडेंट हो चुका है, यानी हमारी इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो डिजिटल मीडिया या न्यू मीडिया के साथ कनेक्टेड होती हैं। अब इंटरनेट जो है आपको पता है कि ये इट इज़ अ हाईली इंटरेक्टिव मैच मीडियम, जिसके थ्रू हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकेंगे इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी आपको इंटरनेट पे क्या चीज़ नहीं है जो नहीं मिल रही, आप पूरे वर्ल्ड के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, पूरी दुनिया के साथ आपको यहाँ पे कनेक्शन मिल रहा है एक, और वो चीज़ें मिल रही हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा मतलब सेविंग करती हैं। लाइक आपने कोई बुक खरीदनी है तो वो आप अगर इंटरनेट पे जा के कोई पीडीएफ पढ़ लेंगे, वहाँ पे आपको बुक मिल जाएगी बिल्कुल फ्री मिल जाती है समटाइम, और साथ ही साथ आपकी यहाँ पे ना इतनी कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, आप घर बैठे इतना काम कर सकते हैं, आप स्टोरी राइटिंग कर सकते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हैं, मल्टी मीडिया एनिमेशन, ये सारी चीज़ें जो है इनमें आप अपना इवन करियर जो है वो परस्यू कर सकते हैं। तो डिजिटल मीडिया की जो फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो डिजिटल मीडिया में वेबसाइट्स आ जाती हैं, हमारी ये जो वेबसाइट्स बनी होती हैं लाइक किसी ने भी बनानी हो किसी चीज़ की, किसी ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बनाई हुई है, उसने अपने वहाँ पे पोस्ट सारी लगाई हुई हैं जो जो उसने बनाई हुई हैं,
या फिर किसी ने ब्लॉगिंग करनी है, कोई ब्लॉग्स लिखे हुए हैं तो उन्होंने वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, साथ ही साथ ईमेल है, ईमेल्स के थ्रू हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं फॉरेन कंट्री के लोगों के साथ, या कहीं भी ईमेल उनको भेज रहे होते हैं वहाँ पर बड़ा ज़्यादा काम होता है। हम अपनी असाइनमेंट्स वगैरह सारा जो है वो ईमेल्स के थ्रू करते हैं। सोशल मीडिया है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। सोशल मीडिया की आपको पता है हमारी यूथ जो है ऑलमोस्ट 80-90% यूथ जो है वो सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड है, और हार्डली कोई होगा जो कि जिसके पास सोशल मीडिया की फैसिलिटी ना हो। तो सोशल मीडिया हमारी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट टूल बन चुका हुआ है, और ये सारा किसके थ्रू पॉसिबल है? ऑब्वियसली थ्रू डिजिटल मीडिया, ये सारा डिजिटल मीडिया में आता है। इसके अलावा वेबकास्ट है, पॉडकास्ट है, ब्लॉगिंग है, व्लॉगिंग है, आप इतना कुछ ब्लॉगिंग से सीखते हैं, आपको वहाँ से इतनी चीज़ें मिलती हैं लर्निंग के लिए, इवन आप खुद वहाँ पे अपना अपलोड कर सकते हैं अपना काम और लर्निंग कर सकते हैं, आप अर्निंग भी यहाँ से कर सकते हैं। आपको डिजिटल वीडियो गेम्स मिल सकती हैं, आप इसके साथ ही साथ डिजिटल वीडियो देख सकते हैं, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, बहुत वास्ट किस्म की ये फील्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग सा ये कंसेप्ट है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, आप बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इंटरनेट मैंने आपको बताया था हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है अब, तो यहाँ से आप चाह कर भी अब नहीं निकल सकते। बहुत सी चीज़ें जो हैं अगर आप पॉजिटिव पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली इट वुड बी अ वेरी बेनिफिट फॉर यू। ब्रॉडकास्टिंग इज सिंपली अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो कॉन्टेंट, यानी कि आपने ना इस टाइप के मीडिया में आपको मिलेगी ऑडियो विजुअल कॉन्टेंट मिलेगा, आप किसी चीज़ की वॉइस सुन सकते हैं, आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप ले रहे हैं तो वो आपको मिल रही है ऑडियो एंड वीडियो के थ्रू। इससे पहले जैसे कि हमने देखा प्रिंट मीडिया के बारे में पढ़ा, उसमें क्या था, सारी चीज़ें आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिल रही थी, बुक्स की शेप्स में मिल रही थी, लेकिन ये चीज़ जो है ये थोड़ी डिफरेंट है। लाइक इसमें बहुत से फॉर्म्स आ जाते हैं, जैसे टेलीविज़न है, आप टेलीविज़न के थ्रू कोई भी न्यूज़ सुन रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल रही है। तो ये जो है ना ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, ये मैच मीडिया की एक ऐसी फील्ड है जो कि आपको इस तरह की चीज़ें जो है आपको प्रोवाइड करती है, लाइक फिल्म्स, मूवीज़ आप देख सकते हैं, आप वीडियो गेम्स देख सकते हैं, ट्रेडिशनल फोन्स देख सकते हैं, रेडियो है, एफएम है, इवन आप कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो भी इसी में आ जाती है, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया में आ जाती है, क्योंकि आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं ना कोई चीज़ को। अब ओरिजिनली ये जो टर्म थी ब्रॉडकास्टिंग की, इसको हम कहते थे कि मतलब ये यूज़ होती है सीड्स को प्लांट करने के लिए फील्ड्स में, लेकिन अभी ये जो इसका ब्रॉडकास्टिंग से ही एक टर्म निकली ब्रॉडकास्ट मीडिया के थ्रू, तो जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ प्रोवाइड की जाती हैं। अब देखें कुछ लोग होते हैं जो इलिटरेट होते हैं, उन्हें नहीं पता कि अब उनके पास न्यूज़पेपर पढ़ने की इतनी एबिलिटी नहीं होती बिकॉज़ दे आर इलिटरेट, तो अब उन्हें कैसे समझ आए, लेकिन उन्हें भी न्यूज़ सुननी है, तो वो न्यूज़ उन्हें कैसे मिलेगी? उनके लिए इन चीज़ों का आसान कर दिया गया, उनके लिए टेलीविज़न बना दिए गए, उनको वीडियोस, ऑडियो, सारी न्यूज़ जो है उनको मिल जाती है टीवी के थ्रू, तो उन्हें कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती अब। जैसे कि सबसे पहले न्यूज़पेपर थे, लोग उनसे लेते थे फ़ायदा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता रेडियो आया, रेडियो फैलने लग गया, लोग रेडियो के थ्रू न्यूज़ सुनते थे, रेडियो के थ्रू सारा कुछ सुनाई देता था, लेकिन फिर एक ट्रेंड आ गया जी टेलीविज़न का, और टेलीविज़न ने चीज़ों को बहुत आसान कर दिया, उसमें ना सिर्फ आपको ऑडियो बताएगी बल्कि आपको इवन हर चीज़ रिकॉर्ड करके दिखाएगी कि ये न्यूज़ जो है ये चीज़ें जो हैं हो रही हैं। तो जैसे जैसे न्यू इन्वेंशन हुई, मैच मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की, और इसी तरह की एक फील्ड है ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। अब इसमें पब्लिक को टारगेट किया जाता है, सारी न्यूज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती है लोगों को, और सिर्फ न्यूज़ ही नहीं, और भी बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि इट्स रिगार्डिंग टू फिल्म, मूवीज़, मोशन पिक्चर, वीडियो गेम्स, आप इन्जॉय कर सकते हैं। तो ये था मैथ्स मीडिया का कंसेप्ट और उसकी इंपॉर्टेंट टाइप्स, तो आपको पता चला होगा कि हमारी लाइफ में मैथ्स मीडिया की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। इससे रिगार्डिंग और भी बहुत सी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं मैथ्स मीडिया की, और कोई भी क्वेश्चंस हो आपके, एम्बिग्यूटी हो कोई भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।